एक कॉल और पूरा दिन खराब, दिमाग खराब, मानसिक परेशानी। ये हालत है बिहार पुलिस में शामिल उन सिपाहियों की जो महिला हैं। ये महिला सिपाही फर्जी कॉल से परेशान है। बड़ी परेशानी ये भी है कि कॉल करने वाला खुद को इंस्पेक्टर बताता है और वीडियो कॉल उठाने के लिए दबाव डालता है। नमस्कार, इनसाइडर लाइफ में आपका स्वागत है। महिला सिपाहियों को फर्जी कॉल करने का ये मामला भागलपुर का है, जहाँ की आधा दर्जन से अधिक महिला सिपाहियों के साथ ऐसा हो चुका है। भागलपुर में इशाकचक थाने में एक महिला सिपाही ने इस मामले में केस फाइल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिपाही ने बताया कि मोबाइल पर कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया। आगे उसने पूछा, कहाँ हो? जवाब सुनने के बाद बोला, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ। लेकिन जब महिला सिपाही को शक हुआ तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया तो कॉल करने वाला अश्लील बातों पर उतर आया। सिपाही ने अपनी शिकायत में कहा है कि कॉल करने वाला धमकी भी देता है कि वीडियो कॉल नहीं उठाया तो ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा कि दिन रात ड्यूटी करके परेशान हो जाओगी। बताया जा रहा है कि ऐसे कॉल्स आधा दर्जन से अधिक सिपाहियों को आए हैं। शिकायतकर्ता महिला सिपाही ने यह भी बताया कि वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद कॉल करने वाले ने पूछा कि शादीशुदा हो या कुंवारी हो। जवाब दिया कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इतना सुनने पर शख्स ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया और कॉल काट दिया। अब महिला सिपाही द्वारा केस दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल ने पता लगाया है कि धमकाने वाला शख्स नवादा जिले का रहने वाला है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि उस पर पहले भी कई और सारे केस दर्ज हैं। तो चलिए अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। लाते रहें ऐसे ही तमाम खबरें, तब तक देखते रहिए इनसाइडर लाइव।